दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने ऑनलाइन सुनवाई पर पक्षकारों से की बात, साथ ही लगे शिविर का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, दुर्ग स्थायी लोक अदालत, दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3 पाटन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में लगे शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही ऑनलाइन सुनवाई होते हुए पक्षकारों से भी की बात और न्यायालय परिसर में बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाया। साथ ही इस अवसर पर आपसी राजीनामा, योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, साथ ही परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित कुल 2300 से अधिक मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम की बकाया राशि के संबंध में विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 4000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। पहले तो धमदा कोर्ट का ओपनिंग था, वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो दुर्ग में हमने भीड़ देखा, लोगों में उत्साह देखा, काफ़ी भरोसा किया है लोगों ने सिस्टम पे, लोग अपने झगड़ा निपटाए, अपना केसेस को छोड़ के, मामला मुकदमा छोड़ के अपने जीवन पे ध्यान दे। काफ़ी लोग अभी जैसे दुर्ग बेंगलोर से और कहीं और दूर से, पंजाब से, वहाँ से, बिहार से, सब कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है मोबाइल में, तो उसका भी लाभ लिया लोगों ने, वहाँ पे बैठे और यहाँ पे इस चीज़ का लोक अदालत की एक सफलता की एक इस फेदर टू कैप बोल सकते हैं आप। हमारे वर्तमान स्थिति क्या है सर, वर्तमान में केसेस हो रहा है, कितना भीड़, इसका सक्सेस स्टोरी तो इसी से देख के ही लगता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और केसेस तो जो पहले होते थे, जैसे 100 केसेस हो रहे थे, अभी तो हजारों में है, 70,000 से ज़्यादा, 60-70 हज़ार केसेस, तो इससे ज्यादा लोगों का इसमें जो प्री लिटिगेशन है वो भी हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों और कई और योजनाओं पर फोकस किया गया, कितना सकारात्मक पहल देखा गया? अभी आपको उसी का उदाहरण दिया, पंजाब से, बेंगलोर से लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। और रेगुलर हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं, बाहर के वकील वीडियो में अपीयर हो रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट भी देखिए, अब लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू होगी हम लोग की। सर, कोई नवाचार हो रहा, कोई योजना फोकस कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरी तैयारी है, हो गई है, हो किसी भी दिन लॉन्च होगा वो। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।